हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। आज हम एग्ज़ाम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपना। आइए, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑल 2×2 मैट्रिसेस ओवर जेड पी विद डिटरमिनेंट 1। ओके, ऑल ऑफ यू, तो ये जो लिखा है ना डिटरमिनेंट 1, तो ये तो एस एल के बारे में बात हो रही है, यानी जी जो हो गया वो हो गया एस एल 2ZP। अच्छा जी, अब वो पूछ रहे हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा जी का। बेटा जी का ऑर्डर यानी एस एल का ऑर्डर, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एस एल, सॉरी आपको ये बताया होगा, पी पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाइड विद पी पावर एन माइनस पी मल्टीप्लाइड विद पी पावर एन माइनस पी स्क्वायर। ये कहाँ तक जाता है, पी पावर पावर एन माइनस पी एन माइनस वन डिवाइड बाई पी माइनस वन। ये ऑर्डर तब जब आपने लिया एस एल टू, सॉरी जब आपने लिया एस एन एन जेड पी, है ना, एस एन एन जेड पी। अब एन की जगह यू नो क्या है, तो कोई भी बच्चा आराम से देख सकता है ये क्वेश्चन। वैसे मैं क्लास में करा चुका हूँ, लेकिन आज बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। मैंने जैसे बोला स्पीड बढ़ाओ, आ जाओ बेटा, ऑर्डर निकालना है आपको एस एल टू जेड पी का। दिस वुड बी पी स्क्वायर माइनस वन मल्टीप्लाइड विद पी स्क्वायर माइनस पी डिवाइडेड बाय पी माइनस वन। पी माइनस वन से पी माइनस वन कैंसिल, ये हो गया पी प्लस वन यहाँ, यहाँ से पी बाहर निकालिए और पी माइनस वन यहाँ, एंड यू नो विच ऑप्शन इज करेक्ट। ये मैं पहले करा चुका हूँ, आपने कर लिया है तो अच्छी बात, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, हाँ जी, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17 देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक। थोड़ा यार ये प्रिंट करवाने में ना यही होता है, जो करते हैं उनको थोड़ा कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं, तो इसकी जगह अब पढ़िए। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 17। सबसे पहले एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। ऑर्डर ऑफ जी 17 है मेरे बेटा, दिस इम्प्लाइज जी मस्ट बी साइक्लिक, यानी जी शुड बी जेड 17। अच्छा जी, अब वो क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स। मारो गोली क्या पूछ रहे हैं, इसका सब ग्रुप अगर निकाला जाए तो क्या आएगा बेटा, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। दिस इम्प्लाइज लैग्रांज थ्योरम, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, विच इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड 17 तो प्राइम नंबर है, सो ऑर्डर ऑफ एच इज 1 और ऑर्डर ऑफ एच इज 17। अगर ऑर्डर ऑफ एच 1 आया तो एच बन जाएगा आइडेंटिटी, और अगर ऑर्डर ऑफ एच 17 आया तो एच बन जाएगा पूरा का पूरा ग्रुप। आंसर आपके सामने, 17 ऑर्डर के ग्रुप के पास सिर्फ दो ही सब ग्रुप्स हैं नॉन आइसोमॉर्फिक, आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है, दिख रहा है आपको। तो बेटा इसका आंसर 2 है। अब द सॉल्यूशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लासेस में जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स किया आज बहुत काम आएगा, अभी 2-3 क्लासेस यही करेंगे, क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, क्लियर हो गया? आइए, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24 द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिजम्स ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ। आइए ये भी करते हैं। देखो भाई एवरीवन, क्या पूछ रहा है, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू इटसेल्फ। बेटा यहाँ 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जो बता रहा हूँ देखिए ज़रा, मत लगाइए ज़्यादा दिमाग। सबसे पहले जी साइक्लिक है 24 ऑर्डर का। देखो मैं 2-3 बातें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, यस, अब सारा बताना ही पड़ेगा आपको। फाइनाइट सेट्स के बारे में बात हो रही है। अगर कोई फंक्शन ए टू बी है, देन अगर ये 1-1 है तो क्या ऑन टू होने की गारंटी है? लाइकवाइज अगर ये ऑन टू है तो क्या 1-1 होने की गारंटी है? जिसने अब तक सेट्स रिलेशन फंक्शंस की क्लासेस नहीं की, वो अपनी बर्बादी का सामान खुद तैयार करके बैठे हैं। देखो भैया, ये कब होगा, 1-1 से ऑन टू नहीं होता है और ऑन टू से 1-1 नहीं होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूँ यहाँ पे, आप सबको पता है 1-1 इम्प्लाइज ऑन टू, नो, ऑन टू इम्प्लाइज 1-1, नो। लेकिन ये इक्वलेंट हो जाएंगे कब, जब 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 ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आपका कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी के बराबर है और फाइनाइट है, ध्यान रखिएगा। सर ये कैसे हो गया, मैंने इस बार 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज चलाई थी, पहले टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट में बच्चों से एक्सरसाइज करवाई गई है, आप भी कर सकते हैं। बेटे यहाँ हमने लिए 4 एलिमेंट्स,
यहाँ भी हमने लिए चार एलिमेंट्स, तो ये इक्वल कार्डिनलिटी तो हो गया। अब अपनी तरफ से आप लोग अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से ऐसा फंक्शन बनाइए ए और बी के बीच में जो वन वन है, आप देखेंगे वो ऑन टू भी हो जाएगा। या चलो ऐसा फंक्शन बना लो जो ऑन टू है, आप देखेंगे वो वन वन भी हो जाएगा। बनाने की कोशिश करते हैं, ऑन टू बना लेते हैं। ऑन टू का मतलब इसके पास प्री इमेज होने से यहाँ ले लो जी, यहाँ इसका प्री इमेज यहाँ ले लो जी। अब बताओ जरा, ये तो वन वन बन गया ना, तो ये रूल है भाई, ये रूल है, ध्यान रखिएगा। ये रहा, जब जब फाइनाइट सेट्स के बीच में कार्डिनलिटी सेम है और फाइनाइट है, कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए फाइनाइट सेट्स का। तो बेटा वन वन इम्प्लाइज ऑन टू, ऑन टू इम्प्लाइज वन वन, छोटा सा रिव्यू था, प्रेजेंट क्वेश्चन में आइए। जी का ऑर्डर 24 है, वो ऑन टू पूछ रहे हैं, सभी नलायक लोग देखें। अगर कोई फंक्शन जी टू जी ऑन टू हो गया, बेटा इसका कार्डिनलिटी, इसका कार्डिनलिटी सेम है 24 है, तो वो फंक्शन तो वन वन भी हो जाएगा। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है, रिव्यू एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। और क्योंकि उसने आइसोमॉर्फिज्म डाल ही दिया है तो उसमें तो होमो आता ही है, होमोमॉर्फिज्म। बेटा वन वन भी है, ऑन टू भी और होमो भी है। ओहो, कमाल कर दिया भाई, ये तो ऑटोमॉर्फिज्म पूछ रहा है। ओ, ऑटोमॉर्फिज्म तो आईआईटी जैन के सिलेबस में ही नहीं है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आ गया होगा गलती से। और क्या, मत पढ़ो बेटा, कुछ मत पढ़ो। देखो यहाँ मजाक लगा रखा है लोगों ने। पिछले दो सेशंस यूट्यूब के, दो या तीन, अभी जो 1 घंटा पहले भी हुआ था सेशन, बेटा हर क्लास में मैं ऑटोमॉर्फिज्म डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपके यहाँ इधर दिमाग में और कान में थोड़ा कहता है ना, जूरेंगे बच्चे के दिमाग में घुसे बाद, कि ऑटोमॉर्फिज्म भी पढ़ना है, फंक्शन ही तो है और है क्या। सो ऑट जी इज कलेक्शन ऑफ ऑल वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी, वन वन ऑन टू होमो फ्रॉम जी टू जी। रिजल्ट सुनिए, सुनना तो पड़ेगा, ये लगातार दूसरी क्लास में आज भी बताया था और अब बता रहा हूँ। ऑड जेड एन इज आइसोमॉर्फिक टू म्यूएन, बस ये वाली चीज़ अब यूज़ हो जाएगी। आओ बेटा, 24 साइक्लिक, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 24, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 24, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 24। जिसको ये नई बात समझ में आई, दफ़ा हो जाओ मेरी क्लास से, कोई आपका स्थान नहीं मेरी क्लास में। मैंने लास्ट क्लास में पूरा क्लासिफिकेशन करके बताया है, चिल्ला चिल्ला के समझाया आपको। तो ये भी Z24 है, वो भी Z24 है, इनके बीच में वन वन ऑन टू होमो, यानी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ Z24 निकालना है। लेकिन आपकी नींद तो खुल नहीं सकती, सॉरी Z24 नॉट 4, तुम्हारी नींद कोई कुंभकर्ण से कम थोड़ी ना है। दिस इज सेम एज μ24, यानी μ24 में कितने एलिमेंट्स होते हैं। सो इसका ऑर्डर, यानी इसका ऑर्डर, ये तो ऑयलर फाई फंक्शन है। कुछ मत पढ़ो बेटा, क्या जरूरत है कुछ भी पढ़ने की। फाइव ऑफ थ्री इंटू एट सेपरेट कर दीजिए, 5 3 5 8, 5 3 कितना होता है, ये कितना होता है, ठीक है ना बेटा, 8 आंसर, 8 है ऑप्शन में। ये रहा, आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। उल्टे सीधे सॉल्यूशंस यहाँ वहाँ से जाके पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके संस्कार ऐसे बनाने चाहिए कि लाइफ थ्रू आउट द लाइफ काम आए। आप उल्टे सीधे सॉल्यूशंस ले रहे हैं, कोई कुछ करा रहा है, कोई कुछ करा रहा है, कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। क्लियर हो गए, 8 आंसर है, ग्रेट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ जी लेट अस इन विद अ ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशन ऑन द सेट 1 2 3 डॉट अंडर द कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स फॉर एन ग्रेटर देन टू इफ एच इज द, पता नहीं क्या क्या लिखा है, उसको तो देख के दिल दहल जाएगा कुछ बच्चों का। भाई जो लिखा है पढ़ना तो पड़ेगा एक बार, ये देखो लास्ट क्लास याद करेंगे, हर हर वो बच्चा जो लास्ट क्लास में आया था, बस खुशी और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस हो जाएंगे। बेटा ज़रा याद करो, व्हाट वाज द सेट ऑफ जनरेटर्स ऑफ, मैंने तो क्लास में कराया है बेटा, आप जी नहीं चुरा सकते, कैसे मना कर दोगे बताओ। लास्ट क्लास में तो समझाया था, जनरेटर्स ऑफ, सेट ऑफ जनरेटर्स की बात हो रही है। याद आया बेटा या नहीं याद आया, इसमें अल्फा बीटा है, इसमें आपका आई जे हो जाएगा, इसमें आपका वन ऑफ ऑर्डर टू, अदर ऑफ ऑर्डर एन सब कराया ना, तो ऐसे ही एस एन में भी होता है, एस एन में भी होता है, एस एन में बहुत सारे होते हैं। अब आप बताओ बहुत सारे का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूँ Q8 की, तो आपको पता है ये आई जे से भी आ जाएगा, ये तो आई के से भी आ जाएगा, एम आई राइट, जे के से भी आ जाएगा, तो इसके तो कई सारे हो गए सेट ऑफ जनरेटर्स। तो ऐसे ही एस एन के लिए भी कई सारे, सिंगल से नहीं जनरेट हो सकता क्योंकि वो तो साइक्लिक नहीं होता, लेकिन एक से ज़्यादा से जनरेट हो जाते हैं। तो पहली चीज़ याद कर लीजिए, एस एन इज जनरेटेड बाय दीज टू जो आपके सामने लिखे हैं। और भी मैं क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा और आप करते रहेंगे, डोंट वरी।
समझ में आ गया, ये रहे जनरेटर भाई, 6 हैं, 6 अलग अलग करा दिए जाएंगे आपको, क्वेश्चन के टाइम पे करा दिए जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह से, ये जो आपका लास्ट क्लास का इंप्रेशन काम कर रहा है, इसकी वजह से आप समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा होता हो, बिल्कुल होता होगा। जस्ट वेट, वेट फॉर अ सेकेंड। अगर SN ऐसा है तो कम से कम वो तो कर लें जो हम कर चुके हैं पहले, S3 तो करके देख लें, क्या S3 ऐसा है? हाँ जी, S3 चैंपियंस बेटा, ये अल्फा हो गया, ये फाई हो गया, क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सब कुछ आ जाएगा? करके देख लो, कौन मना कर रहा है? यू कैन डू, अपना मल्टीप्लाई करिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, ये कीजिए, वो कीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। Yes, हाँ, तो गुरुजी। ये विश्वास के लिए, आपके विश्वास के लिए, लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास की वजह से ये होगा, और ये क्यों होगा? क्योंकि ये हो रहा है। चलिए, तो बेटा ऐसा 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 परम्यूटेशन ग्रुप जिसमें 1 2 और 1 2 n है, वो ऐसे नहीं है। फिर सारा का सारा ऐसे, जब जनरेटर से उठ के आ गए तो सारा का सारा ऐसे ना जाएगा। आस्किंग, दिस इज आस्किंग ऑल ऑफ यू बेटा, ये क्वाटरनियन ग्रुप है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि एच इसका सब ग्रुप ऐसा लेना है आपको जिसके अंदर आई और जे है, अब आपके कान खड़े हो गए। सुनो सुनो, अब भाई एच के अंदर अगर आई और जे है तो आई और जे से आने वाले सारे क्वांटिटीज तो एच के अंदर ही आ जाएंगे। लास्ट क्लास याद करिए, आई और जे से तो पूरे का पूरा क्यूएटी आ जाता है। हेलो, आर यू गेटिंग क्वेश्चन? समझ में आया कंपेरिजन? बोलो बेटा। थैंक यू वेरी मच, क्लियर हो गया? देख लीजिए, ये इस, हाँ जी, ये लास्ट क्लास का इंप्रेशन काम कर रहे हैं। जो बच्चे लास्ट क्लास में है इसको तुरंत समझ में आ जाएगा। इंडेक्स इसका 2 नहीं होगा, अबिलियन भी नहीं है, SN साइक्लिक भी नहीं होता ऐसे। चलो ग्रेट, नेक्स्ट। हाँ जी, आइए, ये मैं क्लास में करा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि सारे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ तो ये भी दोबारा करा देते हैं। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, हमें पता है डी पार्ट करेक्ट है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑन द ग्रुप इम्प्लाई दैट जी कब कब एबिलियन होगा? हाँ जी, अगर जी, अरे तो लास्ट क्लास में कितना क्लासीफाई करके बताया था, ऑर्डर ऑफ जीस पी क्यूब में अबिलियन भी हो सकते हैं, नॉन अबिलियन भी हो सकते हैं। या नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यूब, नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ क्यूब ऑर्डर पी क्यूब, एक तो क्यूएट है और वो हाइंसबर्ग ओवर जेड पी आना चाहिए आपकी जुबान पे, आगे क्लास इक्वेशंस में काम आएगा। देखिए, जी ले लीजिए क्यूएट, तो बेटा ये पी क्यूब होने से अबिलियन नहीं होगा। बी पार्ट, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी साइक्लिक, यही ले लो, क्यू एट ही ले लो। क्यू एट के सब ग्रुप्स क्या क्या होते हैं? वन वन माइनस वन, वन माइनस वन आई माइनस आई, वन माइनस वन जे माइनस जे। बार बार कराया बेटा, क्वेश्चन कितना क्लियरली आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, और आप कितने विश्वास के साथ उसको कर पाते हैं, देख सब। आओ, क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक बेटा, बस ये साइक्लिक, वैसे उसको मतलब भी नहीं, उसको वो कह रहा है प्रॉपर सब ग्रुप। क्या क्वाटरनियन ग्रुप में सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है? बिल्कुल, लेकिन क्वाटरनियन ग्रुप खुद अबिलियन नहीं है, ये भी गया। सी पार्ट, एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, यहाँ जो लिखा है सब नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे हो गए भैया, मुझे नहीं पता, मेरे से मत पूछो। ये नॉर्मल है जी में, यूनिक यूनिक ऑर्डर वाला तो नॉर्मल होता ही है, ये भी नॉर्मल है जी में। और जो बाकी हैं, इसका 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 इसका, इन सब का इंडेक्स कितना है? थैंक यू वेरी मच, इंडेक्स 2 वाले भी नॉर्मल होते हैं। लो, एवरी सब ग्रुप नॉर्मल है यहाँ, लेकिन आपका ग्रुप अबेलन नहीं है। अब याद करिए वो दिन जब आपको ये सब चीज़ें कराई जा रही थी, ये सब मतलब ये सब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कब होंगे। देखिए कितने आराम से हो गए क्वेश्चन, डी पार्ट में बता ही चुका हूँ बेटा। ए करेक्ट हो नहीं सकता, बी करेक्ट हो नहीं सकता, सी करेक्ट हो नहीं सकता, अब तो डी ही करेक्ट होगा। वो क्यों होगा? देखो भैया, वो इसीलिए होगा क्योंकि आप लोग आ गए हैं, इसको होमो होना चाहिए। देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स इज अ होमो, फॉर ऑल ए बी। वॉट इज एफ ऑफ ए बी? ए बी का होल इनवर्स। एंड वॉट इज दिस, वॉट इज दिस? बहुत बढ़िया, एक बार और इन्वर्स लगा दीजिए, लगा दो भाई, काहे काहे परेशान हो रहे। ए बी का होल इन्वर्स का इन्वर्स ये हो जाएगा, ए इन्वर्स बी इन्वर्स का इन्वर्स।
which implies yes AB this. बेटा क्लियर हो गया, ये किसके लक्षण है, ये किसके अबेलियन ग्रुप के लक्षण है. गुड, वेरी गुड. तो बेटा इट्स द डी पार्ट विच इज करेक्ट एंड ओनली डी इज करेक्ट. क्लैरिटी के साथ सारे ऑप्शंस कर लीजिए, सारा काम हो जाएगा. नेक्स्ट ये देखिए, ये नहीं कराया मैंने क्लास में, अभी कराऊंगा. अभी कराऊंगा. आओ, सपोज एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी. यू नो मिस हो गया थोड़ा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, पहला दूसरा तीसरा चौथा, जल्दी से साथ आ जाइए. जी नॉन अबेलियन है तो जी बाय नॉन अबेलियन है जी. पहले फैक्टर वाला कर लेते हैं, फाइनाइट इनफाइनाइट वाला रहने दीजिए. बी सी डी आराम से हो जाएगा. अगर ग्रुप नॉन अबेलियन है, जैसे एस थ्री है, क्यू एट है, डाइहेड्रल ग्रुप है. देखो बेटा, अगर मैंने लिया जी को क्यू एट, क्यू एट नॉन अबेलियन है, इसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप ले लीजिए, वन माइनस वन आई माइनस आई. यस, इज इट नॉर्मल, अभी अभी डिस्कस भी किया था. हाँ जी, क्लियरली जरूर साथ आ जाओ बेटा. व्हाट अबाउट जी बाय एन, सुनिए, जी का ऑर्डर 8 है, एन का ऑर्डर 4 है, 8 बाय 2 यानी 4. सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, एवरीवन. हाँ जी, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 तो बेटा साइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा तो अबेलियन भी होगा. जी बाय एन अबेलियन है, लेकिन आपका जी जो है वो नॉन अबेलियन है. तो ये जी नॉन अबेलियन इम्प्लाइज जी बाय एन इज नॉन अबेलियन, गलत है. अब आते हैं सी पार्ट पे. अगर ग्रुप साइक्लिक है तो जी बाय, बेटा ये आपने पढ़ा था, फैक्टर ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, फैक्टर ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक. सी पार्ट सुनिए, सी पार्ट, सी फॉर कैलकटा. सी पार्ट का मतलब बेटा, अगर जी साइक्लिक है तो वहाँ से ये तो मिल ही जाएगा आपको, जी बाय एन इज साइक्लिक एंड एवरी साइक्लिक इज अबेलियन, एवरी एवरी साइक्लिक ग्रुप. बेटा बात समझ में आई? गुड, सी करेक्ट है. अब आते हैं डी, डी फॉर दिल्ली. अगर ग्रुप अबेलियन है तो जी बाय एन साइक्लिक हो जाएगा. ये कम से ज़्यादा मांग रहे हैं इस वाले ऑप्शन में, इसने ज़्यादा से कम मांगा है, लेकिन ये अब कम से ज़्यादा मांग रहे हैं. देखिए डी पार्ट, जी इज अबेलियन, दिस इम्प्लाइज फैक्टर ग्रुप जी बाय एन इज अबेलियन. यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई ग्रुप अबेलियन है और आप ज़बरदस्ती उसको साइक्लिक बना दें तो भैया ऐसा तो नहीं होगा. देखिए साइक्लिक से अबेलियन मिलता है ना, अबेलियन से साइक्लिक थोड़ा ना मिलेगा, ज़्यादा से कम मिल सकता है, कम से ज़्यादा कैसे मिलेगा. क्लियर हो गया बेटा, ये अबेलियन एम्प्लाइज जी बाय एन इज अबेलियन होता है, साइक्लिक की गारंटी नहीं है. तो अब जो जस्टिफाई करना है आप लोगों को, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, सिर्फ ए बचा है जस्टिफाई करने के लिए, वो तो मैं कराऊंगा. चलिए कराते हैं. हम बहुत दिनों से ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं और मैंने आपको इंटीजर्स जेड प्लस के बारे में भी बहुत कुछ समझाया है, सिखाया है. जेड प्लस, व्हाट आर सब ग्रुप्स ऑफ जेड प्लस. एवरी सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस इज ऑफ द फॉर्म 2z, 3z, 4z, 5z, 6z, 2z लीजिए, 2z. देखिए पहले वाले के लिए, लेट जी इज इक्वल टू जेड प्लस, ये इनफाइनाइट है. एच ले लो 2z प्लस में. हाँ जी, व्हाट अबाउट जी बाय एच. बेटा मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं. आइए, यही यही लेना है. आप इसका 2z की जगह 3z, 4z, 5z कुछ भी ले सकते. ये करें क्यों, एक रिजल्ट तो बताया था. ठहरो ठहरो, ये रिजल्ट आपको फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में बताया नहीं बताया? माइक ऑन करके बताओ यार जल्दी. हो गया खत्म, खत्म हो, खत्म हो गया, खत्म. क्या करें, बेकार में मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा. तो इससे बढ़िया जो किया है पहले वही वही ले लेते हैं. आइए, ऑल ऑफ यू, जी लिया आपने जेड प्लस, एच लिया आपने 2z, एच की जगह एन ले रहे हैं क्योंकि एन में क्वेश्चन है. एन लिया आपने 2z, सो देयरफॉर जी बाय एन इज सेम एज
z by 2z, which is isomorphic to z2, that is g by n, z2 है ना, वो तो finite है, this is finite, but बेटा g finite है क्या? थैंक यू वेरी मच. तो पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, g अगर इनफाइनाइट है तो क्वेश्चन ग्रुप भी इनफाइनाइट होगा, गलत है बेटा. इसकी जगह आप 2z, 3z, 4z कुछ भी ले सकते हो भाई, पढ़ा हुआ आपके, वो कहते हैं ना कर्म सामने आ ही जाते हैं, देखिए पढ़ा हुआ आपके सामने आ ही गया. चलो हो गया, चले आगे, रेडी फॉर नेक्स्ट. ये साइड में इसलिए खड़ा होगा कि स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो किसी को या बाद में पढ़ना हो, इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं है ना, एग्जाम के क्वेश्चन हो रहे हैं. मैं तो स्पीड से करा दूंगा, फिर आपको परेशानी हो जाएगी. अब क्वेश्चन डिस्कशन तो बहुत ज़रूरी है. आओ भाई, लेट एस थ्री विद अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स. यू नो एस थ्री, एस थ्री की महिमा क्या बोले, पिछली 15 क्लासेस से आपके सामने है ही. आ जाओ बेटा, व्हाट इज एस थ्री? हमसे पढ़ने वाला तो नहीं भूल पाएगा, आप चाह के भी नहीं भूल सकते बेटा. अल्फा बीटा गामा पाई ज़ाई, इन तीनों को ऑर्डर, इन दोनों को ऑर्डर. सर आज क्यों लिख रहे हैं? वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहा है, लिखना पड़ेगा. अब आइए, अब सब लोग आ जाइए. हाँ जी, वॉट इज एस थ्री? ई डी पी एस थ्री. आ जाओ बेटा, दिस इज एस थ्री, ई डी पी एस थ्री. This should be of the type A comma B, where A is coming from, B is coming from. बेटा जरा साथ आइए, आप सबको पता है ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होता है? एच सी एफ होता है, एल सी एम होता है, एल सी एम इंडिविजुअल ऑर्डर का. ठीक है जी, ऊपर चलिए. तो यहाँ इसका जो ऑर्डर होगा वो इंडिविजुअल ऑर्डर का एल सी एम होगा. बेटा जरा ध्यान से देखना आप सब लोग, क्या क्या हो सकता है पॉसिबल. ऑर्डर ऑफ ए आपके सामने लिखा है, वहाँ से आ रहे हैं बेटा. या तो ये वन ऑर्डर वन या टू या थ्री पॉसिबल है. इसी तरीके से बी का ऑर्डर या तो वन पॉसिबल है या टू पॉसिबल है या थ्री पॉसिबल है. तो एल सी एम क्या क्या पॉसिबल है? वन के साथ, हाँ साथ दीजिए, वन के साथ वन, वन के साथ टू, वन. अगर आप इसको वन ले रहे हैं तो बेटा बी जो भी लें आप, इसका आंसर हमेशा वन टू थ्री में ही आएगा. अगर आप इसको टू ले रहे हैं तो यहाँ कुछ भी, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं यार, मैक्सिमम बताओ यार क्या आएगा, सिक्स आएगा? उसने उसने तो मैक्सिमम पूछा नहीं, कोई बात नहीं, जो पूछा है वो देख लेते हैं. वो कह रहे चार ऑर्डर का एलिमेंट है इसके पास. बेटा यहाँ से दो उठाएंगे चार के लिए, या वन या टू में से यहाँ जो भी उठाना होगा वहाँ से क्या उठाएंगे? एलसीएम चार आ जाए, कभी भी नहीं आएगा, बकवास. हाँ जी, नाइन यहाँ से उठाओ, यहाँ से उठाओ, नाइन बना दो, थ्री इंटू थ्री इज नाइन. अरे इंटू नहीं करना भैया, एलसीएम लेना है. सिक्स वाला आ जाएगा आई थिंक, टू थ्री, थ्री टू दिख रहे हैं. 18 तो ज़्यादा ही हो गया. क्लियर हो गया आप लोगों को? ये इतने दिनों से जो काम कर रहे हैं वो ऐसे सामने आएगा. हेलो, थैंक यू वेरी मच. बस देखते जाइए, अभी दो तीन क्लासेस यही हो रहे हैं. स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए, आराम से कर लीजिए, एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, ज़्यादा जल्दबाजी ठीक नहीं. आराम से ही चलूँगा मैं, बहुत ज़्यादा फास्ट चलने की ज़रूरत नहीं. ये इस क्वेश्चन के प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ हो गई है, छोड़ रहा हूँ मैं अभी. प्रिंट में थोड़ा गड़बड़, मैं आई कैन चेंज इट, बट फिर भी एग्जैक्टली अननेसेसरली कन्फ्यूजन में कुछ, ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, कोई बात नहीं. प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ है, छोड़ दो. हाँ जी, यहाँ आ जाओ. यस, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, बताइए जरा. ये वो है बेटा, अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हैं, ये वो है जो हर क्लास में आता है, हर क्लास में आता है आपके सामने, एवरी क्लास. ग्रुप होम वर्फिज्म करते टाइम भी जब कर्नल का कॉन्सेप्ट आया था तो भी मैंने बताया था एस थ्री के पास कितने ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप होता है और कितने ऑर्डर का नहीं होता, सब हर क्लास में आ रहे हैं. ओके, व्हाट इज एस थ्री? यू नो व्हाट इज एस थ्री, उसके सब ग्रुप्स. अगर अब नहीं कर पा रहे आप बेटा तो आई एम सो सॉरी, आपने हमारे साथ ठीक से मेहनत नहीं की, जबकि आपको सब बढ़ चढ़ के सब कुछ कराया है. ग्रुप थ्योरी वैसा कहीं नहीं मिलेगा जैसे आपको दे दिया गया है. आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, देर इज समथिंग, कुछ तो सच्चाई है. इसमें से क्या क्या नॉर्मल है? ये तो हमेशा नॉर्मल होगा जी.
ये भी हमेशा नॉर्मल होगा, ये बेचारा यूनिक ऑर्डर का है, नॉर्मल होगा। हाँ जी, और ये वाला तो बिल्कुल नॉर्मल नहीं होगा। यस, हाउ मेनी नॉर्मल सब ग्रुप्स आ गए बताइए ज़रा। आपकी काउंटिंग कितने, थ्री आप कितनी आराम से निकाल के बैठे हैं, काफ़ी लोगों को तो वैसे भी याद है। रीज़न क्लास ही ऐसे लिए आपने। चलिए आंसर 3-2-3। वो ये ऐसे क्यों लिखे हैं ये बेटा, ये एनएटी का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल आंसर टाइप। उसमें एक इंटरवल दिया होता है विद इन विच योर आंसर शुड लाई, तो यू नो क्या आंसर है। 3 है, एग्जैक्टली आंसर 3 है। हाँ जी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप, सिग्मा कॉमा टाउ बिलोंग कर रहा है जी में, एंड ऐसा है कि ऑर्डर सिग्मा का 12 है, टाउ का 21 है, ऑर्डर ऑफ स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा एंड टाउ। ये बताता है बच्चे ने कुछ ग्रुप थ्योरी ठीक से पढ़ा है। ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने ठीक से पढ़ा है ग्रुप थ्योरी। सही सुना आप लोगों ने, नॉर्मल स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर ले संभव नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको गाइडेंस चाहिए, देखिए ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। उसने दो एलिमेंट्स दिए हैं, एक एलिमेंट का ऑर्डर 12 दिया है, दूसरे का 21 दिया है, और जी को साइक्लिक बोल दिया। अच्छा जी, क्या क्या आ सकता है वो देखो पहले। अगर ग्रुप साइक्लिक है और एक एलिमेंट जो भी है आपका, जो भी है, ये एलिमेंट आपको ब्रैकेट है जनरेट करके देगा, बिल्कुल ऐसे ही बी एलिमेंट का ऑर्डर दिया है, बी एलिमेंट आपको ब्रैकेट भी जनरेट करके देगा। वैसे भी सब ग्रुप होगा साइक्लिक ग्रुप पे साइक्लिक, नहीं भी देता तो भी उधर मारिए गोली। साथ दीजिए सिग्मा है ना, सिग्मा ही बस भैया, यही हिंट है तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए यही हिंट है। क्या पूछ रहे हो? यस, ही इज आस्किंग स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग सिग्मा एंड टो, इस सेम है स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग एचएन के। अच्छा अब याद करते जरा, स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग एचएन के, याद करो याद करो, लॉजिक सुनो बेटा। एच सब ग्रुप है, लॉजिक तो सुनना पड़ेगा ना, आप सॉल्यूशन लेने आए हैं, आता जाता कुछ है नहीं आपको। इंटरसेक्शन सब ग्रुप होता है, बोलो बेटा। यूनियन, यूनियन तो सब ग्रुप नहीं होता, और प्रोडक्ट सब ग्रुप नहीं होता। अब सुनते रहिएगा प्लीज आप सब लोग कि कैसे निकलेगा काम। देखो भाई, अगर मेरे पास दो सब ग्रुप्स हैं तो इंटरसेक्शन इज ऑलवेज अ सब ग्रुप, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरसेक्शन एच और के दोनों से छोटा है, उनको क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग एच एन के। अरे भाई बात समझ में आई, इन दोनों से बड़ा चाहिए ना, इन दोनों से बड़ा तो यूनियन होगा, वो तो सब ग्रुप ही नहीं होता जी। ऐसे यूनियन क्या पता है यहाँ कंडीशंस में हो जाए। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप प्रोवाइडेड वन इज कंटेन अदर, यानी या तो एच के में कंटेन होगा या के एच में, वो तो हो ही नहीं सकता भाई। अब मैं ये इसको मान लेते, चलिए इसका ये के है वो एच है, बेटा के का ऑर्डर 21 है, उसका 12 है, 21 ऑर्डर का सब ग्रुप 12 ऑर्डर के सब ग्रुप में कंटेंट नहीं हो सकता, के इस कंटेन एच गया। अच्छा एच के में कंटेंट हो जाए वो भी पॉसिबल नहीं है। लगरंजा सरम क्या कहता है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, क्या 12 21 को डिवाइड करता है? अरे बोलो ना यार, तो यूनियन में आप दिमाग नहीं लगाएंगे, यूनियन से आपका काम नहीं हो रहा। इंटरसेक्शन से हो सकता था, क्वेश्चन ही उसने उलट दिया। नहीं, आपको एच और के दोनों से बड़ा चाहिए, ये इंटरसेक्शन वाला बेचारा साथ दे के भी साथ नहीं है, या उसने अपनी तरफ से जो करना कर दिया, यूनियन से काम नहीं हो रहा है आपका। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अ सब ग्रुप प्रोवाइडेड द सब ग्रुप्स कम्यूट। ये क्या लिखा है भाई, जल्दी पढ़ो। साइक्लिक, अगर साइक्लिक है तो अभिलियन है। हाँ जी बिल्कुल अभिलियन है, अगर ग्रुप अभिलियन है तो बेटा एच के एच के बराबर होगा या नहीं होगा? जी डेफिनेटली होगा, यानी 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 ये सब ग्रुप तो मिल गया। क्या ये सब ग्रुप एच और के दोनों से बड़ा है? देख लेते हैं बेटा, एच इज कंटेन इन एच के, दैट शुड बी क्लियर, के इज कंटेन इन एच के, दिस शुड ऑल्सो बी क्लियर। क्यों? अगर मैंने यहाँ से एच लिया तो बेटा उसी एच को मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? हाँ मैं, हाँ मिलाते जाइए। इसी तरीके से अगर यहाँ से के लिया तो क्या आप के को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बेटा बात समझ में आई, इसको कहते हैं पोजिशन एडजस्ट करना। हेलो, हाँ जी, तो बेटा आपके सामने एक ऐसा सब ग्रुप तो दिख गया जो एच और के दोनों से बड़ा है। अब सुनिए मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिकली बता भी दिया मैंने आपको, कहीं लिखना हो तो लिख लो। अगर इन जनरल एच के सब ग्रुप नहीं होता है, बट इफ एच के इज अ सब ग्रुप, इफ एच के इज अ सब ग्रुप देन इट इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग बोथ एच एन के। बात समझ में आ गई, द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग एच एन के वो एच के हो सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए एच के को पहले सब ग्रुप बनना पड़ेगा, सबसेट नहीं सब ग्रुप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स एच के, क्या प्रेजेंट सिनेरियो में एच के सब ग्रुप बन रहा है? बोलो बेटा। यस गुरुजी। तो बस इसी पे आते हैं। अब उसने स्मॉलेस्ट निकालने के लिए बोले, देखें जरा एच के का ऑर्डर मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है। आई होप जब मैंने लग्रांजेस थ्योरम वाली क्लास दी थी आप लोगों को, तो
एचके का ऑर्डर आपके साथ डिस्कस किया था, ये डिस्कशन तो आपको समझ में आएगी, वो नोट्स वगैरह बना लीजिएगा मैंने क्या बताया इधर। मैंने पूरा खोल के एनालाइज करके बता दिया कि क्या लेना चाहिए बच्चे को। आइए, ये पिक्चर है, आओ एच के का ऑर्डर निकल रहा है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एच के? ऑर्डर ऑफ एच, चुपचाप देखो बोलो नहीं, डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। हाँ जी, द डे व्हेन वी डिड लग्रांजियस थ्योरम, उसी दिन ये बताया था आप लोगों को मैंने, साथ आ जाओ। ऑर्डर ऑफ एच के अगर बच्चे साथ साथ क्लासेस कर रहे हैं तो भाई ऊपर वाला तो कुछ नहीं है, नीचे वाले को देखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन के लिए भी उसी दिन बताया गया बेटा, यहाँ आ जाओ। एच इंटरसेक्शन के किस किस का सब ग्रुप होता है? यानी ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, एक तो एच के ऑर्डर यानी 12 को डिवाइड करेगा और के ऑर्डर यानी 21 को डिवाइड करेगा। बेटा ऐसे तो दो ही नंबर्स होते हैं, या तो 1 होगा या कितना होगा मेरे मेरे बेटा, 3। थैंक यू वेरी मच। मत दो मत दो, आंसर मत दो, क्या जरूरत पड़ी है देने की? पहले वाले में 12, 21 और पहला पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले में 12, 21 और नीचे क्या आएगा आपका, 3। हाँ जी, ये है एच के का पॉसिबल ऑर्डर। तो बेटा ऑर्डर ऑफ एच के ये हो सकता है 12 × 21 भी हो जाए या फिर 84 हो जाए। क्या लिखा है बेटा जल्दी बताओ, आंसर बताइए, आंसर छोड़िए सब। 84। थैंक यू वेरी मच। कोई फॉर्मूला नहीं, प्रैक्टिकली ऐसे चलना है, बकवास फार्मूले से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, पता नहीं कौन उल्टे सीधे फार्मूले, कोई सिर पैर नहीं, कहीं से भी उठा के ले आएंगे, कहीं से भी रट्टा लगा के, लो बेटा ये होता है फार्मूला, सिर पैर पता नहीं है कहाँ से आते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे आते हैं? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट ग्रुप कंटेनिंग दिस दिस दिस, बेटा आपको ऐसे ऐसे ही चलना है, फार्मूला मत लगाइए, काम हो जाएगा। हेलो, इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट थिंग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था ये। नेक्स्ट थिंग, ये EDP IDP चल ही रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। एक्चुअल में खतरनाक तो नहीं बोलेंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टॉपिक है, प्रोडक्टिव। ये नई नई चीज़ें बड़े आराम से दे देता है, जो बहुत मुश्किल से आती हैं वो बड़े आराम से आ जाती है इसकी वजह से। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, आराम से हो जाएगा बेटा, आ जाओ। Z2 साइक्लिक है, Z3 साइक्लिक है और ये आपस में कोप्राइम भी है, तो इनका जो ADP बनेगा Z2 ADP Z3 वो भी साइक्लिक होगा। हाँ जी, इसका ऑर्डर ऑर्डर 2 है, उसका 3 है, जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा या जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो 2 × 3 = 6 आएंगे, साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 6। व्हाट इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6? इट शुड बी आइसोमॉर्फिक टू Z6। थैंक यू वेरी मच। ये इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत करा दिए आपको, पहला ट्रू है, 3 और 3 कंबाइन नहीं हो पाएंगे, 4 और 6 आपस में कोप्राइम नहीं, कंबाइन नहीं हो पाएंगे, 2, 3, 5 दिख ही रहे हैं, Z2, Z3, Z5। बेटा 2 और 3 कंबाइन हो गए 6 बन गया, 5वां बिट्स भीतरा बैठे हैं, 6 और 5 कंबाइन हो गए 30 बन गया। क्लियर है ना? ऐसी चीज़ों में टाइम लगाने का कोई फायदा नहीं, आराम से हो जाएगा, 2-3 क्लासेस से लगातार चली जाए, देखते रहिए। अभी 2-3 क्लासेस क्वेश्चन भी होंगे ऐसे, आते रहिएगा, क्लास में छोड़िएगा। रेडी फॉर नेक्स्ट? यस गुरुजी। ग्रेट। हाँ जी, लेट्स, क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ ऐसे, लेट सिग्मा बी एन एलिमेंट ऑफ S5। तो बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है भैया। यस, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ S5? टाइप, टाइप मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, टोटल ऐसे कितने होंगे, टोटल वैसे कितने होंगे, अपने भाग सराहो अगर साथ साथ आए हो तो। S5 ही है ना? हाँ S5 ही। आइए ऑर्डर लिखें इन सबका, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का ऑर्डर, 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, यहाँ ऑर्डर LCM 2, ऑर्डर 6, मैक्सिमम ऑर्डर पहले से ही पता है आप लोगों को, तो क्या आंसर है? क्लियर हो गया बेटा? यस, क्लैरिटी एंड नॉट कंफ्यूजन इज की टू सक्सेस। ग्रेट। आ
हाँ जी, द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिजम्स फ्रॉम साइक्लिक फॉर्मूला चैंपियंस, प्लीज फॉर्मूला नहीं लगाना है, देखिए जी सी डी पी सी डी लगा लेंगे, मैंने तो आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी है, लगा लो फॉर्मूला, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा लो भाई, अपने दिल की कर लो आप भी, यही तो टाइम है, यही तो ज़िंदगी है। देखिए सपोज एफ फ्रॉम जेड फोर से जेड सेवन इज अ होमो, हर उस बच्चे के लिए जो फार्मूला चैम्पियन है, बेटा रेंज रेंज याद कीजिए ज़रा, मैंने तो क्लास में कराया आपको, कैसे मना कर दोगे, ये दोनों फाइनाइट है, दोनों ग्रुप्स फाइनाइट है, बेटा ऑर्डर ऑफ एफ जी किस किस को डिवाइड करते हैं नहीं बताओगे, ये दोनों के ऑर्डर को, फिर ऑर्डर ऑफ एफ जेड जो भी आपका रेंज बनेगा, जो भी आपका रेंज बनेगा दैट शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ जेड फोर एंड ऑर्डर ऑफ जेड सेवन, बहुत बढ़िया, दैट इज ऑर्डर ऑफ रेंज जो है बेटा वो डिवाइड करेगा चार और सात को, ऐसा नंबर बताइए इस कायनात में जो चार और सात दोनों को डिवाइड कर जाए, थैंक यू वेरी मच। अब इसका खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं अभी, आओ भाई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यू शुड राइट द क्वेश्चन, अगर जैसे पढ़ाया जा रहा है ऐसे पढ़ेंगे, यू विल राइट द क्वेश्चन, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, आओ जरा, ऐसा जिसका रेंज वन है, रेंज वन है यानी सब कुछ उठ के कहाँ चला जाएगा, जीरो पे, हाँ जी, इस होमोमॉर्फिज्म को क्या बोला जाता है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी, क्लियर हो गया आप लोगों को, फॉर्मूला लगाते हुए वैसे भी हो जाता है, ये प्रैक्टिकली दिखा दिया आपको, ग्रेट, आइए लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12 देन नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप्स ऑफ जी, ओके, जी इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर 12, दिस इम्प्लाइज जी मस्ट बी जेड 12, यस इट इज, पूछ क्या रहे हैं भाई साहब, नॉन आइसोमॉर्फिक सब, ए मारो गोली नॉन आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप बताओ, सब ग्रुप के लिए फॉर्मूला नहीं बताया था, ताओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जी इज सेम एज नंबर ऑफ सब ग्रुप्स इन जेड 12, 12 ही है ना, हाँ, एंड इट इज गिवन बाय टाउ 12, वो क्या होता है माय डियर 3 × 4, सेपरेट कर रहा हूँ मैं अपने आप, देख लीजिए ये प्राइम है, प्राइम के लिए 2 और ये 2 का स्क्वायर है तो 3, तो बेटा 6 सब ग्रुप्स आ गए, थैंक यू वेरी मच, क्लियर हो गया, स्पीड ठीक है ना, यहाँ ये आज तो कई लोगों का पेट भर रहा होगा ना, उनको तो चाहिए क्वेश्चन, बेटा मैं इस चीज़ से इसलिए बचता हूँ, वो एक्चुअल में ऐसी गलती हो जाती है कई बार न्यूमेरिकल वैल्यू में कि सब सारी कैलकुलेशन ही गड़बड़ हो जाएगी, कोई नहीं ऐसे कर लीजिए, लेट एच बी द ग्रुप ऑफ ऑल 2×2 इन्वर्टिबल मेट्रिसेस ओवर जेड 5 अंडर यूजुअल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, 2 3 1 2 का ऑर्डर कितना होगा, साथ ही ये पहले देखिए ये क्या है, ये क्या है ओवर जेड 5 का मतलब एंट्रीज आपकी जेड 5 से आ रही है, आओ भाई ये पिक्चर है, इसका ऑर्डर पूछ रहे हैं आपसे, हाँ जी ऑर्डर ऑफ ए के लिए ए पावर 1 तो कुछ है नहीं, ए का सेकंड पावर निकाल लेते हैं, साथ है ये साथ है ये, दिस इनटू दिस 4 + 3 = 7, दिस 6 + 6 = 12, भैया कहीं गलती हो तो ज़रूर बता देना, 6 + 6 = 12, 2 + 2 = 4 एंड 3 + 4 = 7, यस ओवर जेड 5 का मतलब व्हाट डू यू मीन बाय ओवर जेड 5, मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलो 5, मॉड्यूलो 5, व्हाट इज 7 मॉड्यूलो 5, 2, 12 मॉड्यूलो 5, 2, 4 नहीं होगा रिड्यूस, 7 ये 2, क्लियर हो गए यहाँ तक, ये तो आइडेंटिटी नहीं आया जी, 1001 आना चाहिए, तो क्या करें सर, अरे एक एक कदम और बढ़ाइए ना, व्हाट इज ए पावर 3, ए पावर 3 यानी ए अलॉन्ग विद ए स्क्वायर या ए स्क्वायर अलॉन्ग विद ए, आपके सामने दिया हुआ है, तैयार हो जाओ कमर कस के, वो क्या क्या है 4 + 12 = 16, ओके 4 + 6 = 10, 2 + 8 = 10, 2 +
6 ओके हाँ जी मॉड्यूलो 5 ओ महारथियों मॉड्यूलो 5 1001 क्या ये आइडेंटिटी आ गया? आ गया। कितनी पावर पे आइडेंटिटी आया बेटा जल्दी बताओ? 3। तो इसका ऑर्डर कितना? थैंक यू वेरी मच। तो बेटा ऑर्डर 3 है। अगेन ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी का क्वेश्चन था, दिस वे यू शुड डू, इसलिए ऑप्शन देख के घबराए नहीं, चले आगे चले। ये भी देख लीजिए, देख लीजिए। इन द परम्यूटेशन ग्रुप एस एन इफ एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल द 3 साइकिल्स। देखो भाई अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको वही लास्ट क्लास टुडेज क्लास ऑल द क्लासेस एवरीवन जनरेटर्स ऑफ एस थ्री बताएं, Q8 बताएं, DN भी बताएं, और थोड़ी देर पहले SN के लिए भी जनरेटर बताया था, और मैंने बोला भी था 6 अलग अलग हैं, उसमें से ये सबसे ज़्यादा फेमस है। N है, N-1 है, जो है आपने देख लीजिए। अब बेटा AN के लिए देखिए, याद कर लीजिए ये, तो मैं जिस जब कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर बता देंगे। वेट, कुछ चीज़ें ऐसी बोली जाएंगी कि आपको याद भी हो जाएगी। ऊपर वाले केस में SN वाले केस में चार चार से छः अलग अलग जनरेटर्स आएंगे, ये पहला सेट ऑफ जनरेटर्स है, आगे और आएगा, लेकिन AN में दूसरा सेट ऑफ जनरेटर्स अब तक नहीं है, अब तक इंटरनेट पे भी नहीं दिख पाए। तो बेटा AN इज, ये इसलिए याद करना आसान है, AN इज जनरेटेड बाय ऑल द क्या चीज़, 3 साइकिल्स, यानी 3 साइकिल्स लेंगे और उनको आपस में कंबाइन करेंगे तो सारे के सारे इवन परम्यूटेशंस आपके सामने आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ प्रेजेंट क्वेश्चन में ये इफ एच इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप कंटेनिंग ऑल द 3 साइकिल्स, यानी एच इज AN। बेटा क्लियर हो गया? हेलो बस क्वेश्चन खत्म, अब क्या बचा है क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ एच इज 2, ऑर्डर ऑफ AN 2 होता है, कोई नहीं, एच इज AN थोड़ा ना विलेन होता है भाई, इंडेक्स ऑफ AN 2 होता है। यस ये वाला करेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट है, AN इज नॉट SN। ये प्लीज टेक इट टू योर अकाउंट, क्वेश्चंस के डिस्कशंस में ऐसी चीज़ें आती रहेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, अभी 2-4 क्लासेस यही चलेगा, सी देख लीजिए। तो SN तो बहुत सारे अलग अलग जनरेटर्स दे देगा आपको, लेकिन AN जो है दैट शुड बी जनरेट बाय 3 साइकिल्स ओनली, और दूसरा नहीं, दूसरा सेट ऑफ जनरेटर्स नहीं मिला। चलिए नेक्स्ट थिंग, यहाँ आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अब तक नहीं हुआ क्लास में। एवरीवन क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, ओ जी डिनोट, हाँ ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, जी इज अबिलियन इफ, ओ लास्ट क्लास याद करो, पी क्यू ऑर्डर देखते ही, जिसको ये बात याद नहीं है देयर एग्जिस्ट एटमोस्ट 2 ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर पी क्यू, वो उसका तो पढ़ना ही बेकार है, मत पढ़िए सामने ही। बेटा ऑर्डर ऑफ जी 6 ऑर्डर के 2 ही ग्रुप्स बताए थे, कोई बात नहीं, तो 6 ऑर्डर का एक ग्रुप है मेरे पास S3 जो कि नॉन अबिलियन है, तो जी इज अबिलियन इफ ऑर्डर ऑफ जी 6 बकवास, जी इज अबिलियन इफ ऑर्डर ऑफ जी 10 और बकवास, जी इज अबिलियन इफ ऑर्डर ऑफ जी 14 क्या बकवास है। अरे डाइहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है भाई? 2n होता है, नहीं होता, 2 के साथ कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 के साथ 7 ले लीजिए, 2 के साथ 5 ले लीजिए, 2 के साथ यू नो 11 ले लीजिए, तो डाइहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर भी तो पी क्यू टाइप का ही होगा, अबिलियन थोड़े ना। बी जी इज अबिलियन इफ, ये क्लास में कराया गया, अगर हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है तो भी ग्रुप अबिलियन है, और अगर एवरी ये यही दिया हुआ है बेटा, इसका ऑर्डर 2 है, यानी a का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा व्हेन एवर a इज नॉट इक्वल टू e इन g। अच्छा जी, अगर a का स्क्वायर आइडेंटिटी होगा तो बेटा a किसके बराबर होगा? थैंक यू, अरे समझ में आ गया नहीं आ गया, तो यहाँ से क्या पता लगा? एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। हेलो यस सर, तो जब सारे एलिमेंट्स खुद के इनवर्स हैं तो अबिलियन ग्रुप हो जाता है, कराया ना क्लास में, देख लीजिए वो स्टेटमेंट ऐसे है आपके सामने। सी पार्ट लास्ट क्लास याद करेंगे बेटा, आप बच नहीं सकते बेटा, कैसे बचोगे? क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बोला पार्शल कन्वर्स बोला था जाते जाते यही कराया, जी बाय जेड जी साइक्लिक इंप्लाइज जी इज अबिलियन, दिस इज द रिजल्ट। हाँ जी लास्ट क्लास के महारथी हुआ है ना लास्ट क्लास में, एक उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बता दिया था,
देखो बेचारों की आवाज़ में निकल रही। लास्ट जी जो विलन है पी क्यू, हम सब डिस्कस कर लिया हमने, सच कह रहा हूँ मैं। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम के आपके सामने आएंगे ना, आप तुरंत कर लेंगे अगर आपने क्लासेस की हैं तो। पी क्यूब ऑर्डर का जैसे क्वाड्रेंट ग्रुप है आठ ऑर्डर का, अबेलियन नॉन अबेलियन दोनों पॉसिबल हैं, हाइंसबर्ग ग्रुप है, यू नो सो मेनी थिंग्स, तो हमेशा अबेलियन होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए विद दिस आगे चलते हैं। हाँ जी, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एडिटिव ग्रुप Z36, नंबर ऑफ जनरेटर्स। आओ जी निकालें जनरेटर्स, इसके जनरेटर्स क्या बताए थे, फाई एन, फाई एन ना, व्हाट इज फाई 36, सिक्स इंटू सिक्स तो सही नहीं रहेगा, फोर इंटू नाइन ठीक है, सेपरेट कर दीजिए, फाई ऑफ फोर सेपरेट कर दीजिए, फाई ऑफ नाइन सेपरेट कर दीजिए, व्हाट इज फाई ऑफ फोर इज टू एंड फाई ऑफ नाइन इज सिक्स, कितना आ गया आपके 12, 12 आंसर करेक्ट। देख लो भाई किसी को कोई स्टेप समझ में आया ना आया हो तो। फाइव एन, अगर ये नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ जनरेटर्स की जगह नंबर ऑफ सब ग्रुप पूछता तो टाउ एन, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप पूछता तो भी टाउ एन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर पूछता डी का, तो सब वो सब आपको बताया जा चुका है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ सिग्मा एन S10, S10 आपको बताया गया था। लगता है आप लोगों ने काम नहीं किया, काम किया होता तो तुरंत आंसर आ जाता। क्लास, हाँ जी क्लास में बताया है बेटा, S10 का मतलब 10 सिंबल्स हैं, ऐसे लिखिए कि LCM मैक्सिमाइज हो जाए। 10 सिंबल्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं बेटा, 2 सिंबल्स यहाँ या 2 साइकिल यहाँ और 7 साइकिल यहाँ, तो इससे तो 14 बने। याद करिए सर, सब बताया था मैक्सिमम मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, 2 साइकिल लिख दो, 3 साइकिल लिख दो, 5 साइकिल लिख दो, है ना, 30 यहाँ से आ जाएगा। अब समझ रहे हैं, 3 के साथ 7 लेंगे तो 21 आएगा, 4 के साथ 5 लेंगे तो 20, सो मैनी थिंग्स, ये सब करके आपको बताया जा चुका है। आंसर बताइए। सी, मैं क्लास में सब करा चुका हूँ, क्लासेस करो, उसमें बहुत कुछ है। एवरी प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप थ्योरी इज ए न्यूमेरिकल, मैं क्लास में ही कह रहा था बार बार, आप देख सकते हैं, यही सब तो हो रहा था। लेट जी बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर जनरेटेड बाई दिस, देन द ऑर्डर ऑफ जी एस, ये कई बच्चों से नहीं होगा, शायद किसी से भी ना हो, अगर किसी ने पहले नहीं किया तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आइए ज़रा साथ में, जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एल टू आर विच इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट। अच्छा जी साथ आ जाओ भाई, ये जी एल है, इसी के अंदर जी बैठा हुआ है, एंड इसको ए बुला रहे हैं, इसको बी बुला रहे हैं, बेटा परेशानी कम इसलिए हो गई क्योंकि लास्ट क्लास का संस्कार आपके अंदर बैठा हुआ है। संस्कार कौन सा संस्कार सर? ये वाला संस्कार। वॉट आर जनरेटर्स ऑफ क्यू एट? डोंट टेल मी, जस्ट सी। वॉट आर जनरेटर्स ऑफ डी एन? लाइक वाइज वॉट आर जनरेटर्स ऑफ S3 एंड SN? आज किया आपने तो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, एक एक ग्रुप के पास 2 जनरेटर्स तो हो सकते हैं, है ना, ए और बी। बेटा इसने ये दे दिया, ध्यान दीजिए, आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ, आप महान आत्माओं से, याद करो ज़रा, ये 2 एलिमेंट से जनरेट होने वाले तो क्वाटरनियन ग्रुप भी हो सकते हैं, डाईहेड्रल भी हो सकता है, SN भी हो सकता है, अभी आगे देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। यहाँ काम आएगा आपको क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन सर? वो जो ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 21 तक आपको ग्रुप्स को क्लासिफाई करके बताया था, वो काम आएगा। कैसे कैसे? ऐसे आओ, ए का ऑर्डर देखो, बी का ऑर्डर देखो और ज़रा साथ आ जाओ, बहुत आराम से काम हो जाएगा बेटा। ए है आपका, साथ है ये, साथ भागिए मत, तो ए का स्क्वायर है आपका, चेक करिए। हाँ जी कितना ऑर्डर आया है का? कोई जवाब नहीं, बहुत बढ़िया। जरा DN याद करिए, DN इज जनरेटेड बाय 2 एलिमेंट्स, वन ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर अदर ऑफ ऑर्डर n, ना ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था, तो ऐसे ही हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं S3 के बारे में बात करूँ, S3 इज जनरेटेड बाय अल्फा बीटा, अल्फा का भी 2 ऑर्डर है, बीटा का भी 2 ऑर्डर है, आएगा अभी, चिंता काहे करते हैं, सब आएगा। अब बी का देखते हैं ऑर्डर कितने, ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके हैं, जब तक आपके साथ नहीं होंगे आप नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जिसने लास्ट क्लासेस नहीं किए हैं उसका तो कुछ बेचारे का हो ही नहीं सकता भाई। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए प्लीज़ बता दीजिए, मुझे सारा दोबारा चेक करना पड़ेगा। ठीक है ने? यस गुरु जी। -1 + 1 0, ठीक है 0, ओके। तो बेटा ये आइडेंटिटी, सॉरी, बी का पहला पावर आइडेंटिटी नहीं है, दूसरा भी आइडेंटिटी नहीं है, ज़रा तीसरा देख लेते हैं। -1 + 1 0, हाँ बच गए। हाँ जी, कितने पावर पे आइडेंटिटी आ रहे हैं? थर्ड थर्ड पावर पे आइडेंटिटी आ रहे हैं। तो बेटा इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। गिव मी 1 सेकेंड। यस हाँ जी, आइए ज़रा सामने एवरीवन। गलती की किसी ने, सीधा यहीं से एक डांट पड़ेगी आप सबको कह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ भैया, हमसे नहीं बर्दाश्त होगा अगर आप ठीक से जवाब नहीं देंगे। जी इज जन, ओके लेट मी राइट, लेट मी राइट दिस। वेयर, अब दिख ही गया आपको, ऑर्डर ऑफ ए 2 है। ऑर्डर, आपका दिल तड़प तड़प के कुछ कह रहा है, अब समझ ही रहे हैं क्या हो रहा है बेटे। ये तो अच्छे ऑर्डर, वेट 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 वेट, ये आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनिए ही कैसे निकलता है क्वेश्चन। ये बात पक्की हो गई कि जी जो है, जी जी इज अ सब ग्रुप, जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, दिख रहा है ना? वहाँ 2 ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, तो छः छः ऑर्डर का हो जाएगा। ज़रा लास्ट क्लास याद करो, 6 ऑर्डर के कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, जल्दी बताओ। D3 और Z6। 6 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं, एक हो गया आपका Z6, दूसरा हो गया आपका S3। इफ़ यू आर गोइंग विद D3, D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, आप एलिमेंट्स ओपन करके 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो या तो Z6 बनेगा या S3 बनेगा, Z6 या S3, Z6, सॉरी, Z6 तो अबिलियन है। अगर इसको Z6 बनना है, अगर इसको Z6 बनना है तो बेटा ये ए बी बी ए के बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट अबिलियन पता लगेगा आपको। और अगर इसको S3 बनना है या नॉन एबिलियन बनना है तो ए बी बी ए के बराबर नहीं होना चाहिए। हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, ए बी बी ए के बराबर आएगा ही नहीं, करके देख लीजिए चाहे तो। ये ऑल ऑफ यू बेटा, 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप तो ये वैसे भी नहीं है, जब उसने बोल दिया ना दो दोनों से जनरेट हो रहा है, तो 6 ऑर्डर का साइक्लिक तो वैसे भी नहीं बनेगा। बेटा बात समझ में आ गई? तो जी इज आइसोमॉर्फिक टू, या तो S3 लिख दो या D3, आपके सामने है, एक ही बात है। तो क्या ऑर्डर आएगा इसका, कितना ऑर्डर आएगा अभी देख लीजिए, क्वेश्चन कैसे किया आप लोगों ने। हमें बहुत सारी चीज़ें अभी आगे लिखनी चाहिए थी, काफ़ी कुछ ये था वो, कि ज़रूरत ही क्या है, दिख तो रहे सब सब। इतना इतने के बाद भी आप इन्फॉर्मेशन से, जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिला, आप सही सही क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े आराम से सक्सेसफुली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया? इसमें यस सर। इस क्वेश्चन में भी लास्ट क्लास का इंप्रेशन ही काम कर रहा है। अच्छा ज़रा ठहरो, मैं थोड़ा इसी में और एनालाइज कर दूँ, पता नहीं फिर कब ज़िंदगी मौका मिलेगा। ठहरिए ठहरिए, आपकी जान लेके छोड़ेंगे। देखो भाई ध्यान से, एवरीवन देख लो, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर दो, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये आपको क्या क्या देगा? ऑर्डर ऑफ ए 2 है तो ई देगा और ए देगा। ऑर्डर ऑफ बी का 3 है तो बी क्या देगा? ई देगा, बी देगा, बी स्क्वायर देगा। एम आई राइट? बॉस इज ऑलवेज राइट। चलिए कंबाइन कीजिए, अब कंबाइन नहीं हो रहा इनसे। ऑर्डर ऑफ ए 2 है, ऑर्डर ऑफ बी 3 है, और ये तो दिख ही रहा है आपको, ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ये कैसे कह दिया सर आपने? मल्टीप्लाई करके देख लो यार, क्या झगड़ा कर रहे हो? चलो एलिमेंट्स बताओ इसके, ई के साथ मल्टीप्लाई कर करके बताइए क्या क्या आएगा। ई के साथ ई विल गिव यू ई, ई के साथ बी विल गिव यू बी, देन बी स्क्वायर। अगला एलिमेंट बता, ए के साथ कंबाइन कीजिए, ए अलॉन्ग विद ई इज ए ई, दैट इज ए, ए अलॉन्ग विद बी, ए अलॉन्ग विद बी स्क्वायर। काउंट करो ना एलिमेंट्स कितने आए, जल्दी काउंट करो बेटा, बोलो यस भाई। जितने, हाँ जितने तरीकों से आपको बताया जा सकता है, हर तरह से पता लग गया आपको, ये 6 ऑर्डर का ग्रुप है। अब बस ये देख लेना, अभी लेना नॉन अभी लेना क्या है, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब भाई समझ गए क्या कह रहा हूँ? कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या करना है? चलिए थैंक यू वेरी मच। उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट लगाने से अच्छा है अच्छे वाले कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन किया जाए। ये सर, अगर आर के लिए जेड पी होता क्या?
आर के किस पिछले क्वेश्चन में लास्ट, सर। एक सेकंड रुको, देखने दो क्या कर रहे हो। हाँ ये तो सारा हट ही गया, अब क्या डिस्कस करूँ। वैसे ही बता दीजिए क्या कह रहे हैं आप, किसकी जगह क्या होगा। GL2 कॉमा ZT होता था। उससे फ़र्क क्या पड़ता है, आपको फाइनाइट ग्रुप्स क्लासिफाई करके तो बताए गए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। अगर यहाँ ZP भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप फिर उसका देखना ना ऑर्डर कितना कितना आएगा। ये इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि ये दो एलिमेंट से जनरेटेड है, वहाँ से इतना तो पता लग ही गया हमें कि साइक्लिक नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। यस सर, अब अगर इसका क्लियर। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका भी ऑर्डर दो है, उस मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका भी टू ऑर्डर है, इसका भी टू ऑर्डर है, तो दो एलिमेंट्स से जनरेटेड है, दोनों का ऑर्डर टू है, आपके आपके दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर दो दो है, तो चार एलिमेंट्स कैसे आएंगे। जैसे मैंने ए और बी का कॉम्बिनेशन लिख के बताया था, तो चार चार, यस ऑल ऑफ यू, चार ऑर्डर का नॉन नॉन साइक्लिक ग्रुप क्या होता है भाई। पता K4, पता K4। तो लग रहा है क्या करना है क्वेश्चन में। अभी दूसरा, इसका दो ऑर्डर है, उसका तीन है, और नॉन अबिलियन भी है, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। नहीं कुछ नहीं छूटा, यस सर, चाहे क्लियर। चाहे यहाँ कुछ भी हो, कुछ ये क्या हुआ, हाँ जी, चाहे यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं आराम से, वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। लास्ट क्लास आपने किया है तो लास्ट क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास आइए। ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब लाइव में दे चुका हूँ, यहाँ भी करा देते हैं भाई आप लोगों को। आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला पार्ट, जेड एन इज साइक्लिक इफ एन ओनली वेन इज प्राइम। जरा ठहरो, जेड टू इज साइक्लिक, जेड थ्री इज साइक्लिक, इवन जेड फोर भी तो साइक्लिक होता है, जेड सिक्स भी तो साइक्लिक यस होता है, सर, लेकिन इसके सफिक्स प्राइम तोड़ना है। इसने ये लिख के गड़बड़ कर दी। अगर ये इफ एन ओनली इफ नहीं डालता, वो कह रहा है जब एन प्राइम होगा तभी साइक्लिक, नहीं भाई, नॉन प्राइम में भी साइक्लिक हो जाता है, गलत। दूसरा, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक, ऑफकोर्स इट इज, बेटा जेड एन खुद साइक्लिक है, सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, सही सुना। अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक, ट्रू है। सी पार्ट, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस एन इज साइक्लिक, ये नहीं है भाई। ठहरिए, ऑल ऑफ यू वेट फॉर अ सेकेंड। वो जब मैं यूट्यूब लाइव कर रहा था तो भी, अभी देखो भाई यहाँ एस एन है और यहाँ एस फोर भी आएगा, अभी मैं लिख के बताता हूँ। अगर मैं बात कर लूँ आपकी एस एन की, एस एन की, तो बेटा एस एन में ए एन बैठा हुआ है, हेलो हेलो, तो ए एन थोड़े ना हर बार साइक्लिक होगा, ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही है। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जैम का ही क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक 18 का है, आई थिंक डेट वेट में गलती हो जाए कोई बात नहीं, जैम का ही है। तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था उसमें एस एन नहीं था, एस फोर था। तो अब पर्टिकुलरली एस फोर में बात करते हैं, जो बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं आओ भाई, आओ आओ, कहाँ जाओगे, अब पढ़ो सारा। ए फोर के मेम्बर्स, आई थीटा वन से थीटा एट, ये थीटास क्या हैं, उसके बाद ये सब आपको क्लास में बार 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 कराया जा रहा है। साथ दीजिए ज़रा आप सब लोग, एवरी वन, लास्ट क्लासेस याद करेंगे। बेटा यहाँ पे चार ऑर्डर का ये क्लाइंट्स फोर ग्रुप दिख ला, मैं बता चुका हूँ यार, मैं आपको बता चुका हूँ, लास्ट क्लास याद करेंगे, वही आपकी ज़िंदगी की दिशा निर्धारित करेगी। लास्ट क्लास समझ में आती है बात तो बहुत अच्छी बात है, जो घूमो फिरो। बेटा ये इसका ऑर्डर दो है, इसका भी दो है, इसका भी दो है, इन तीनों का ऑर्डर टू है, तो ये ग्रुप जो है साइक्लिक नहीं है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू समथिंग, सो दिस इज़ नॉन साइक्लिक। बट ये तो एस फोर में भी समझ में आ गया, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस फोर इज साइक्लिक, बिल्कुल भी नहीं, क्लियर हो गया। हाँ ग्रेट, वो ए फोर भी नहीं था इवन, ये तो इसलिए बता दिया कि लास्ट क्लास में किया था, ए फोर भी नहीं था। आइए लास्ट वाला, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज साइक्लिक, देन ग्रुप इज साइक्लिक, क्वाटरनेन ग्रुप क्यू एट है, क्यू एट में ऐसा होता ही नहीं होता। अरे बोलो बेटा, अब दोबारा पूरा नहीं करके दिखाऊं, आज की क्लास में भी आया था, ये भी गलत होगा, तो क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, सब हो जाएगा। ग्रेट, चलिए आपने झंडे गाड़ी दिए, आगे चलिए। अब तो सारा हटा ही दिया मैंने, मेरे को भी ना पता नहीं कहाँ जल्दी लगी हुई भाई, ये बहुत रियली डेंजरस क्वेश्चन। अगेन, अगर कोई आपको साथ साथ नहीं कराएगा तब तक आप ये खतरनाक वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके रुको, अभी डेंजरस क्वेश्चन है,
लेट जी बी ए ग्रुप सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी दैट एफ फ्रॉम पता नहीं कौन सी भाषा में क्या लिखा है उसने और क्या कहना चाह रहे हैं। अब तो क्वेश्चन पुराना हो गया लेकिन नया नया जब था बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता था। आप लोग चलिए छोड़िए इसको भी, नहीं क्वेश्चन ही छोड़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन छोड़िए अभी, इसके अगेंस्ट ये देखिए जरा। यस ऑल ऑफ यू आप सब लोग जल्दी से बता दो फॉर्मूला चैंपियंस बोलो। हाँ जी इसी इसी के साथ कुछ लिखा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिए। ग्रुप होमो, ग्रुप होमो, पहले वाले में एच सी एफ फोर एन सिक्स वन नहीं है, मतलब पहले वाले केस में एक से ज़्यादा ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से है, मतलब यहाँ ओनली पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म है, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म नहीं बोलना चाहिए, ट्रिवियल के अलावा भी होगा इसमें आइए। फोर और फाइव का एच सी एफ यू नो वन होता है, तो बेटा इस केस में जो होमोमॉर्फिज्म बनेगा दैट शुड बी कैसा होमोमॉर्फिज्म, ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, इसमें भी वही बनेगा। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। Yes, गुरुजी। अगर मैं ये हाँ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, सबको जीरो पे लेके जाता है। अगर मैं आपसे ये कह दूँ, जरा ध्यान से देखना आ जाएगा क्वेश्चन समझ में, कैसे नहीं आएगा क्वेश्चन समझ में, 100% आएगा। कि भाई ये होमो है, अगर ये होमो है दिस इम्प्लाइज एफ ट्रिवियल है, जल्दी से बताइए बेटा क्या नहीं समझ में आया आपको, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एन कितना लूं कि ट्रिवियल होमो हो जाए, या कितना कितना ले सकते हैं, आंसर दो भैया निकालो। हाँ जिसका चार के साथ एन के एन को प्राइम हो जाए ना, यू नो जी सी डी बनेगा तभी तो होगा, बस यही क्वेश्चन है प्रेजेंट में। अभी चेंज करते हैं इसको, वो लैंग्वेज उसने ऐसी लिखी, बॉम्बे वालों ने बनाया था ना, बॉम्बे वाले तो वैसे दिमाग चढ़ा रहते हैं उनका। देखिए हाँ जी क्या होना चाहिए जल्दी बताइए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा एन लेना है जो टेन के साथ कोप्राइम है, क्या एन इक्वल टू सेवन पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है, क्या एन इज इक्वल टू 2021 पॉसिबिलिटी है, क्या एन इज इक्वल टू 11 पॉसिबिलिटी है। थैंक यू। क्वेश्चन पढ़िए पहले, ये है क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया, अटेम्प्ट भी हो जाएगा, पहले पढ़ लो बेटा क्या कह रहे हो, जो पहले समझ में भी नहीं आ रहा था वो अब कम से कम क्वेश्चन तो समझ में आया आपको। 2018 का क्वेश्चन है ये भी। लेट जी बी ए ग्रुप सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी दैट, जब जब ये होमोमॉर्फिज्म है तब तब ये आय हाय 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 हाय, इतनी सी चीज़ अगर बच्चे को समझ में आ गई, आप ही से बात कर रहा हूँ, अगर इतनी सी बात किसी बच्चे को समझ में आ गई कि भाई ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यहाँ कैसे सेट लें कि यहाँ से यहाँ जो होमोमॉर्फिज्म है वो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो जाए। अच्छा जी के लिए क्या ऑप्शन, अरे जी के लिए तो जेड एन ऑप्शन है, जेड एन बहुत बढ़िया। तो ये ट्रांसफॉर्म होके बन गया ये क्वेश्चन ऐसा कि बेटा एफ फ्रॉम जेड एन से जेड 221, 221 ही है ना, हाँ 221 ही है। अगर ये होमो है, होमोमॉर्फिज्म है, तो दिस शुड इम्प्लाई एफ इज ट्रिवियल, हाँ यही है ना, कब होगा मैं क्या पूछ रहा हूँ, माइक ऑन करके बताइए कब होगा, जब किसका किसका एच सी एफ वन हो, बोलो अभी कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। देखो जरा 21 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 × 7 7 दीजिए बेटा, 51 को ये प्राइम प्राइम में डिकम्पोज करिए तभी एच सी, कोई नहीं 13 × 4 इज फाइन, मैं दोनों चीज़ें लिख देता हूँ, तो 13 × 4 तो 52 होता है, 17 × 3 ठीक है ना। अरे भाई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो बता देना, और 91 को क्या लिखेंगे, और 119 ये प्राइम में डिकम्पोज कर दिया, 221 भाई साहब क्या कर रहे हैं ज़रा बताइए क्या आएगा, 13 × अरे बोलो यार मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आएगा, फैक्टराइज करके बताइए जल्दी से, टाइम मत लगाइए, सब कुछ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको भी करना है, बैठ के आराम।
क्या बोला इन्होंने? हाँ 13 into 17। 13 into 17। ठीक है, डांट सुनते हो अभी तुम मेरी, अगर गलत बताते तो। कोई बात नहीं, आपने सही बताया। आ जाओ बेटा, पहले वाले में जेड 21 है बेटा, 3 into 7, और उधर 13 into 17। थैंक यू वेरी मच। आ हा हा हा, देखिए क्या क्लैरिटी के साथ आपके सामने क्वेश्चन आके खड़ा हो गया। गलत नहीं कर रहा बेटा मैं, यहाँ तक तुम्हारा कान पकड़ पकड़ के लाना, आपको अच्छे से पता है मैं क्या कह रहा हूँ। चलो, ये तो तालियां बजवाने वाला क्वेश्चन है भाई। और लास्ट वाला, देखिए भाई किस तरह से खुल गया आपके सामने। एवरीवन, सभी बच्चे देखें बेटा, ये लास्ट वाला केस, यहाँ 17-7 है, यहाँ 13-17 है, तो HCF में 17 आएगा, 1 नहीं आएगा। दिख रहा है ना, GCT में 1 नहीं आएगा। अरे बोलो ना यार, यस इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो इन केसेस में तो HCF 1 आना ही नहीं है, पहले वाले में आना है। थैंक यू वेरी मच, तो पहले आंसर करेक्ट है। उन्होंने देखिए कितना बड़ा नंबर दिया था यार, छोटा भी दे देते तो भी एनालिसिस हो जाता, एनालाइज हो जाता, लेकिन अब दिया है उन्होंने, तो क्या चाहते हैं। हेलो, इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट, नेक्स्ट थिंग। सबको क्लियर हो गया? यस गुरुजी। यस सर। ओके, ओ भाई साहब, एक और खतरनाक क्वेश्चन आ गया आपका। तुम्हारा क्या होगा आज? ये यहाँ तो जल्दी जल्दी डिस्कस हो गया, घर में जान निकल जाएगी तुम्हारी करते करते। देखिए, एड एच पी द क्वेश्चन ग्रुप क्यू बाई जेड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। दूसरा, बेटा ये वही बच्चा कर पाएगा, ये क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने ग्रुप थ्योरी की बुक मंगा के पढ़ना शुरू कर दी है, या जिसने कभी पहले क्यू बाई जेड किया है। मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, आई डोंट नो। क्यू बाई जेड आपके साथ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद बात करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा नहीं तो। देखिए भाई, कंसिडर द ग्रुप क्यू बाई जेड, ऐसे होगा ना? पता नहीं सर। बेटा नहीं पता तो क्वेश्चन कैसे करोगे? ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट कोसेट्स राइट कोसेट्स। अगर ऑपरेशन आपका प्लस, मान लीजिए स्टार है, मान लीजिए स्टार है, तो ये ए एच का मतलब ए स्टार एच, तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार में तो ये लिख दिया आपने ए स्टार एच, विद रिस्पेक्ट टू प्लस में क्या लिखेंगे? माइक बंद करके बैठ जाएंगे, आप थोड़ा ना कुछ ठीक है लिखेंगे, सर। तो ये लिख दिया आपने। ठीक है जी, आप इसके एलिमेंट्स देखिए, बड़ा प्यारा सेट है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ। ए एच बी एच क्या होता है जी? नहीं बताएंगे जी, तो ए प्लस एच कम्बाइंड विद बी प्लस एच, ये रिंग थ्योरी में और वेक्टर स्पेस में शायद आपको बताया, वेक्टर स्पेस तो किया। वॉट एवर विल हैपन विद एलिमेंट्स, ओके। उसके बाद ए एच एच कब बनता है जी? ए बिलोंग्स टू एच। लाइकवाइज लाइकवाइज ए प्लस एच एच कब बनेगा जी? ठीक है ना, ऊपर चलो। ये एक्स प्लस जेड, हाँ जी, ओ महान आत्माओं, जल्दी बताओ 2 + z कितना है? अरे तो z आएगा भाई, क्यों? ऐसे ही 4 + z, ये भी z आएगा। अच्छा, वॉट इज 1/2 + z? नहीं, ये z नहीं आएगा, क्यों? मेरे से मत पूछो भैया, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। 3/4 + z, ये भी z नहीं है। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, अब इनका ऑर्डर निकालते हैं, अभी निकाल लेते हैं। एडिटिव ग्रुप है या मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, जल्दी बताइए। एडिटिव ऑर्डर ऑफ, बेटा जी ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। पूरा आपके सामने कंप्लीट एनालिसिस दिया जा सकता है, मैं आज भी कह रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था, बुक मंगा लो, पढ़ना शुरू करो। इतना सारा कुछ तुम्हें ऑलरेडी क्लास में कराया जा चुका है, इतना कोई नहीं कराता। मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ना कोई कोई कहीं के लेक्चर देख लीजिए, आपको क्या क्या कराया गया। हाँ जी, पहले वाले को ऑर्डर आई 1/2 + z, 2 बार, एक बार ऐड किया तो ये तो 0 + z के बराबर नहीं है। आइडेंटिटी नीचे होता है ना भाई, जी बाय एच का आइडेंटिटी हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे है, तो ये जेड के बराबर नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने इसको 2 बार ऐड किया, वैसे ही मज़ा आ गया। हाँ बेटा, नींद खुली बेटा? अभी भी नहीं खुली। हाँ
हाफ प्लस हाफ प्लस जेड, ये तो वन प्लस जेड है। हाँ वन प्लस जेड तो जेड होता है, ये तो आइडेंटिटी आ गया। कितनी बार ऐड करके है? टू टू टाइम देख तो सही है। तो बेटा इसका ऑर्डर दो हो गया, बिल्कुल ऐसे ही इसका ऑर्डर तीन आएगा। घर पे बैठ के कर लीजिएगा, इसका चार आएगा। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, कहाँ जा रहे हो बेटा? जाने का टाइम थोड़े ना है। इसका ऑर्डर कितना है? ठीक है, 1/2, 1/3, 1/4 तो ठीक है। 1/3 को 3 बार ऐड करेंगे तो 3/3 आ जाएगा। 1/4 को 4 बार ऐड करेंगे तो 4/4 हो जाएगा। इसको टाइम्स पहले ये देखिए, वॉट इज 3/2 + z एडेड विथ 3/2 + z? हाँ जी, दिस इज सेम एज 3/2 + 3/2, 6/ 3/2। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा मैं क्या कंपेयर करके बता रहा हूँ। इफ़ इट इज़ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10, बेटा ऑर्डर आपके सामने है और कैसे आएगा वो भी बता दिया। बट इफ इट इज़ 3/2, हाँ जी बताया नहीं आप लोगों ने क्या आएगा यहाँ? कुछ बोलो भाई, क्या लिखूँ इधर? हे भगवान, आवाज़ें निकलती इनकी तो। हाँ ये बोलना है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं खाली। 3 + z, वॉट इज 3 + z? जेड क्लियर हो गया सबको? आइडेंटिटी यहाँ कितनी बार ऐड करके आया? 2 बार। ऐसे ही यहाँ 5 बार। बेटा यहाँ जो नीचे बैठे हैं ना उतने आए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ऑब्जर्व कर सके तो एलिमेंट ले लेके देख, एलिमेंट ले लेके देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ये मैंने बता दिया, ये एक्सरसाइज बहुत है। ये लिखने का मतलब है वी आर डीलिंग विद 3/7, वी आर नॉट डीलिंग विद 3/9। ये लिखने का मतलब पी बाई क्यू, अगर आपने जीसीडी वन ले लिया पी क्यू का तो लोएस्ट फॉर्म में होगा। जल्दी से बताइए इसका ऑर्डर कितना आएगा? सभी महान आत्माओं से अनुरोध है कि अपने दिल की आवाज़ बताएं। अभी तो समझाया था यार, क्यों आएगा हमेशा? हाँ जी, तो बेटा ये बात पक्की रही। हेलो, ये बात पक्की रही, इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए उसका ऑर्डर हमेशा फाइनाइट आएगा। मानते हैं या नहीं मानते? एग्रीड और नॉट? कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए इसका ऑर्डर बताइए जरा। दिख तो रहा है, 4 बार ऐड करेंगे नीचे से 4 साफ हो जाएगा। यू विल गेट 5 + z विच इज z। क्लियर हो गया? बड़ा क्लियर हो गया। जरा ये बताओ, जल्दी बताओ इसको जवाब। तो बेटा कोई भी एलिमेंट लीजिए यहाँ उसका ऑर्डर तो हमेशा फाइनाइट है। अच्छा ये एक चीज़ तो ये समझ में आ गया। मैं ये रब नहीं करूँगा, मतलब सॉरी मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाऊँगा, ये तो ये सारा हट जाएगा। मैं दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, यहीं बता देते हैं। लास्ट क्लासेस याद करेंगे आप सब लोग? लास्ट क्लासेस, यस लास्ट क्लासेस। देर इज़ अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ एवरी ऑर्डर एन, नेमली जेड एन। नंबर टू, एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। नंबर थ्री, एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड प्लस। ये सब किया हुआ है हमने यहाँ। ये आओ आओ इधर, आप कहाँ जा रहे हो? पहले एलिमेंट का ऑर्डर टू एन लाइक हो, देखो ज़रा ध्यान से। तो ये जो एलिमेंट जो सब ग्रुप जनरेट करेगा, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू, दैट मीन्स जेड टू। थैंक यू वेरी मच। देखो देखो बेटा, जब तक दिखाएगा नहीं कोई ना, आप कर ही नहीं सकते। समझ में आया बेटा? जितना पूछा जा रहा है उतने का जवाब दीजिए। क्या क्यूबा है जेड में? क्या क्यूबा है जेड में 10 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा? बोलो बेटा, क्या क्यूबा है जेड में? हाँ जी, क्या क्यूबा है जेड में 2022 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप मिलेगा? आंसर भी बताया आपको, तो लीजिए। क्वेश्चन आधे से ज़्यादा खत्म हो गया। आइए ध्यान से देखिएगा, पहले ध्यान से देखना। लेट ऐसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम वी आर वर्किंग अंडर क्यू, वी आर वर्किंग अंडर क्यू बाय जेड, क्यू बाय जेड में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो और अच्छा हो गया। देखो भाई, ये क्यू बाय जेड है, ये पहला। एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। अभी देखते हैं दूसरा,
एवरी फाइनाइट, अभी तो बताया था यार, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप. डेफिनेटली सेकंड वाला तो ट्रू है. क्यों? एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप. व्हाट आर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स? नहीं बताएंगे, मत बताइए, क्या जरूरत पड़ी बताने की? एग्जामिनर कर लेगा आपने. हाँ जी, जेड टू किसके साथ आइसोमॉर्फिक है? 1 by 2 plus z हाँ, जो इसमें Z3, Z4, जल्दी से बताओ. 1 दूसरा by 4 plus z दूसरा स्टेटमेंट सबको पक्का पक्का क्लियर हो गया? एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ सब ग्रुप ऑफ. डेफिनेट है? अब आते हैं पहले वाले पे. एवरी साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट. इसके अंदर चलते हैं बेटा. मान लीजिए मैंने यहाँ एक क्या लिया, साइक्लिक सब ग्रुप लिया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए. ऐसे दिखेगा ना सब ग्रुप, अगर है साइक्लिक सब ग्रुप अगर है तो उसी के किसी एलिमेंट से जनरेट होगा. अरे ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा? इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बताओ मुझे क्या आएगा. फिर ये इन्फिनिट कहाँ से होगा? बात समझ में आई बेटा? और वैसे भी हाँ, देख लीजिए जो आई सी है ना क्वेश्चन पहचानने के लिए. वैसे भी अगर मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए के जो है इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, बेटा अगर के इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो के जेड प्लस के साथ आइसोमॉर्फिक होना चाहिए. के यानी के शुड कंटेन एलिमेंट्स ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर. मानते हैं या नहीं मानते हैं? इसके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होना चाहिए. आपको बार बार दिखाया गया, अभी बार बार दिखाया गया. अरे भाई इस तरह का जो भी एलिमेंट होगा उसका ऑर्डर तो फाइनाइट ही आना है. बेटा बात समझ में आई? यस गुरु जी गया, चलो. हाँ सॉरी, ये भी ट्रू है. एवरी एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच वो नेचुरली फाइनाइट ही बनेगा, ये पॉसिबल नहीं है. थैंक यू वेरी मच. पहला भी ट्रू है. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन. चलिए बस ठीक है भाई, आई थिंक आज के लिए इतना डोज बहुत है. कैसी रही क्लास जल्दी से बता दो. जी चलिए चलिए, थैंक यू. अब ऐसे दो तीन क्लासेस और मिलेंगी आपको, इसमें जैम के लिए और DU MSC के लिए तो अलग ही है, ग्रुप थ्योरी और कराएंगे उसके लिए. थैंक यू.